ओम शांति। मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। मुझ आत्मा को मीठे प्यारे बाबा ने संगम युग पर आकर सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान दे दिया है। मैं आत्मा स्वयं की बुद्धि में बाबा के ज्ञान को रोज समाती जाती हूं। मेरी बुद्धि को मीठे बाबा ने दिव्य बना दिया है। सोने का बर्तन बना दिया है। मुझ आत्मा को सर्वोच्च ज्ञानी बना दिया है बाबा ने। आत्मा का ज्ञान देकर, परमात्मा का ज्ञान देकर, सृष्टि के चक्र का ज्ञान देकर और कर्मों का ज्ञान देकर मुझे समझदार बना दिया है। बाबा, आपका ज्ञान पाकर मैं आत्मा सर्व प्रश्नों से परे हो चुकी हूं। मेरे मन में किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न नहीं रहा। आपका ज्ञान पाकर मैं आत्मा ज्ञानी बन गई हूं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मुझ आत्मा को आपने बुद्धिवानों की बुद्धि बना दिया है। अपने भाग्य पे नाज करें। अपने आप को परम धाम में बाबा के पास महसूस कीजिए। मैं आत्मा परम धाम में बाबा के समीप हूं। बाबा से मन की बातें करें। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे अपने जैसा ज्ञानी बना दिया। मास्टर ज्ञान का सागर बना दिया। प्यारे बाबा, मेरे मन की सारी हलचल समाप्त हो गई है।
आपका ज्ञान पाकर मैं आत्मा संतुष्ट हो गई हूं। मेरे मन में कोई भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रही है। इच्छा थी पार ब्रह्म में पाने वाले की, उनको तो पा लिया, बस अब कुछ पाना बाकी ना रहा। आपको पाकर मैं आत्मा इच्छा मात्र अविद्या बन गई हूं। अपने जीवन में मैं संपूर्ण संतुष्ट हूं। आप मिले, सब कुछ मिल गया। कुछ भी पाना बाकी ना रहा। आपको मैंने युगों युगों से ढूंढा था, बहुत तलाश की थी। आप ही मेरी तलाश थे मीठे बाबा। आप मिल गए, श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया, जीवन का सार समझ आ गया। कर्मों की कहानी का पता चल गया। संस्कारों को बदलने की युक्तियां आ गई। बाकी और क्या रहा? श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम आपने मेरे हाथ में दे दी है। मुझे और अब क्या चाहिए? बस एक ही कामना है कि मुझ आत्मा की आपके साथ समीपता बनी रहे। आपके साथ हर पल बिता सकूं, मुझे ऐसे दिव्य बुद्धि का वरदान चाहिए। बस बाबा, मैं एक पल भी आपको भूलना नहीं चाहती। आपका साथ और हाथ चाहिए, बस। बाबा मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता, मुझे अपनी सर्व शक्तियां वर्षे में दे रहे हैं। महसूस कीजिए, सर्वशक्तिमान पिता
मेरे ऊपर सर्वशक्तियों की बरसात कर रहे हैं। मैं आत्मा जैसे सर्वशक्तियों के फाउंटेन के नीचे हूं। मेरे अंदर सर्वशक्तियां समाहित हो रही है। बहुत आनंदित अवस्था है। शुक्रिया मेरे बाबा, पद्मा पदम गुना शुक्रिया है। सर्वशक्तियां स्वयं में समाहित करते जाएं और यहां से सारे संसार को और पांचों तत्वों को भी देते जाएं। महसूस कीजिए सर्वशक्तियां पूरे ग्लोब पर छा रही हैं और पांचों तत्वों पर भी। पांचों तत्व भी और सारी सृष्टि की एक एक आत्मा तक सर्वशक्तियां टच हो रही हैं। जैसे मुरझाए हुए वृक्ष को जब पानी मिल जाता है तो उसके पत्ते पत्ते में जान आ जाती है, पौधा खिल जाता है। देखें सारा संसार, सारे संसार की आत्माएं भी सर्वशक्तियों को प्राप्त करने के बाद खिल उठी हैं। प्रकृति भी खिल उठी है। सारा वातावरण शक्तिशाली हो गया है। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बार बार शुक्रिया है। ओम शांति।